पहला एक्सेल में जो टैब दिया हुआ है होम, क्या दिया हुआ है होम, तो यहां पर सबसे पहले हम इस क्लिपबोर्ड जहां लिखा हुआ है इस सेक्शन की बात करते हैं। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड करता क्या है, तो क्लिपबोर्ड में आपने देखा जैसे ही यहाँ एक कैची टाइप की बनी है, यहाँ डबल पिटी टाइप की दिखी है और एक ब्रशा बना हुआ है और यहाँ पेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफिस क्लिपबोर्ड, तो जैसे ही अभी तक कट कॉपी पेस्ट करते थे वो सिंपल था, और यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल तो है लेकिन परिवर्तन है। जैसे लिखा नेम, लिखा क्या, लिखा नेम, लिखा सिटी, लिखा ठीक। अब हम चाहते हैं इसको हम फिर आगे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो, या कट करना चाहते हैं, यहां से मूव करना चाहते हैं, तो ये कट बना हुआ है, या कंट्रोल एक्स कर दोगे तो अभी तक हम सीधा कट कर देते थे तो क्या हो जाता, मैटर वहां से गायब हो जाता था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखा सिलेक्ट करके जैसे कट किया तो मैटर गायब ऑफिस क्लिपबोर्ड में एड हो जाता था। अब जैसे ही इसमें क्या होगा, एक बाउंड्री सी दिखने लगी, एक चक्री सी चलने लगी, देखिए एक बाउंड्री हाईलाइट हो गई। जब भी आप कट करेंगे जब तक ये बाउंड्री रहेगी तब तक ही ये पेस्ट हो सकता है, जैसे ये बाउंड्री हटेगी पेस्ट होना बंद हो जाएगा। अभी देखिए पेस्ट एक्टिव दिख रहा है, दिख रहा है। अब हमने कर्सर मूव किया और हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये पेस्ट भी हो गया, बाउंड्री भी हट गई और यहां से पेस्ट का भी काम खत्म हो गया, अर्थात डिसेबल हो गया, राइट। कैसे हुआ, सिलेक्ट किया, कट किया और जहां पर भी ले जाना वहां रखा कर्सर और पेस्ट, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैटर को हम मूव कर सकते हैं। इसे क्या कहा गया है, कट पेस्ट, कट करके पेस्ट कर। अब लेकिन कॉपी में क्या होता है, कॉपी करने के बाद आप इसे एक से ज्यादा जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, देखिए। लेकिन कब तक, जब तक ये बाउंड्री मार्क एक्टिव रहेगा। अब जैसे मान लो इधर लिखना चालू किया तो क्या हुआ, जो बाउंड्री बनी हुई थी वो खत्म हो गई, अब पेस्ट का भी ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया। इसका मतलब है कि जब किसी भी चीज की कॉपी करेगी और बाउंड्री रहेगी तब तक हम पेस्ट कितनी बार भी कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट में और सारे अनेक ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके लिए एक व्यवस्थित हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। अभी इसको हमने डिलीट कर दिया, राइट। जे बनाया हमने, क्या लिखा, ध्यान नहीं देते हो तुम, गप्पों में लगे रहे जब हमने लिखा। आपने पढ़ा है मैथ साइंस, बस तीनों सब्जेक्ट का ही बना लेते हैं और टोटल परसेंटेज, राइट। तो यहां पर लिखा राम क्लास, फिर यहां पर बराबर इसका इसका ओके, इधर डिवाइड बाय थ्री, तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज आ गया, ओके। और हमने और भी खींच लिया, देखो। अब हमने क्या किया, इसमें हमने बाउंड्री डाल दी, बॉर्डर जिसे हम कह सकते हैं, इसका कलर कर दिया, इसका फॉन्ट बढ़ा दिया, इधर से हमने फॉन्ट भी बदल दिया। ये बात किसको समझ में नहीं आई, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, चाहो तो आप कॉलम भी अपने हिसाब से पूरा सिलेक्ट करके ऑटो एडजस्ट कर सकते हो, जिसको जितनी जरूरत थी उस हिसाब से कॉलम की साइज हो गई, राइट। सिलेक्ट करके यहां पर डबल क्लिक कर दिया। अब आपने क्या किया, इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, क्या किया, इस फॉर्मेट को और भी डिजाइन फुल कर दिया, लो अब क्या किया, इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, जैसा इधर लिखा है वैसा का वैसा उधर आ गया, लेकिन कॉलम जैसे इधर है वैसे कॉलम उधर नहीं है, आप देखिए ध्यान से।
जो कॉलम की साइज जी की है क्या यहां ओ की है? नहीं है ना, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा कॉलम है। इसका मतलब कॉलम की जो साइज है उसमें भिन्नता है। कंट्रोल जेड किया, क्या किया, कंट्रोल जेड कर लिया, फिर वापस इस पर क्लिक किया, यहां पेस्ट अभी कर दिया था, अब यहां पर आ गए। इसमें लिखा फॉर्मूला, क्या लिखा, फॉर्मूला। इसका मतलब है जो फॉर्मूला तुमने यहां लगाया है वही फॉर्मूला यहां लग गया, बदला कि नहीं बदला, जो इधर लगाया है वही यहां लग गया। ठीक है, लाल पीला नीला बोल्ड इटैलिक था वो सब हटा दिया उसने। आपने क्या है, क्या किया है, केवल फॉर्मूला को पेस्ट करना है। क्या करना है, तो उसके साथ जो कंटेंट बाय डिफॉल्ट थे उनको भी ले गया। फिर हमने कंट्रोल ऐड कर दिया, वापिस हम पहुंचे, यहां लिखा है, क्या लिखा है, अब फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। क्या लिखा है, अब नंबर फॉर्मेटिंग, पहले तो नंबर फॉर्मेटिंग को क्लियर करना पड़ेगा। नंबर फॉर्मेटिंग है क्या, मान लो इसमें हम दे रहे, टोटल में दे रहे क्या, परसेंटेज नहीं, क्या दे दिया हमने, डेसिमल प्लेस दे दिया। ध्यान से देखना, आप कॉपी किया और यहां जाके हमने इसे पेस्ट कर दिया, तो अभी क्या आ रहा है, 135 डायरेक्ट लिखा है, लेकिन नंबर एंड फॉर्मेट में कर दिया, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट पे जैसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, 0.00 भी आ गया। अर्थात जो नंबर का फॉर्मेट यहां है वही का वही नंबर फॉर्मेट आगे पेस्ट हो जाएगा, राइट। फिर आगे पहुंचे तो जैसा है वैसा का वैसा उधर पेस्ट कर दो, ओके, कॉलम की चौड़ाई को छोड़कर। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब इधर आया बिना बॉर्डर, इसके पहले आपने देखा बॉर्डर आ रही, क्या आ रहा है, देखो बॉर्डर दिख रही, ब्लैक कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही इस पे आए तो इसमें से मैटर तो है पूरा लेकिन बॉर्डर नहीं डली हुई है, तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर को छोड़कर, नो बॉर्डर लिखा है, क्या लिखा है, नो बॉर्डर, माने बॉर्डर को छोड़ दे बाकी सब पेस्ट कर दो। फिर आगे बढ़े, इससे क्या हो जाएगा, जो कॉलम की साइज यहां है वही कॉलम की साइज वहां होना चाहिए, जो कॉलम की साइज यहां है वही कॉलम की साइज क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए। कर पाओगे, तो इस पे जैसे क्लिक कर दिया तो कॉलम की साइज फिक्स हो गई। देखिए यहां पर भी देखिए और वहां पर भी देखिए, कंट्रोल जेड कर लिया। फिर वापस हम वही पहुंचे और यहां से अभी हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलग अलग लाइन था, जो ऊपर की टॉप रो में लिखा है वो कॉलम में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, राम 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 कहां था हमारा, कॉलम में था, तो वो कहां चला गया, रो में चला गया, जो रो में था वो कहां गया। तो जी कैसे हुआ संभव, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लिख रहे होंगे और आपको जरूरत पड़ जाए कि इसको तो हम कॉलम में सेट करना चाहते थे, तो यहां पर जाके आपको कुछ नहीं करना है, तो मैटर दोनों साइड से सेट कर सकते हैं, इसका मतलब हम कैसे भी बना लेंगे और कैसे भी हम सेट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड किया दोनों बार, अब हम आगे फिर बढ़े और यहां पर आ गया पेस्ट वैल्यू। क्या होता है पेस्ट वैल्यू, इसको हम समझाते हैं। पहले यदि आपने क्या किया, मान लो जो टोटल लिया इसको सिलेक्ट किया और यहां जाके पेस्ट कर दिया तो क्या आ गया, क्या आया, जीरो। क्यों आया, क्योंकि केवल यहां फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, और देखिए यहां पर फॉर्मूला आएगा दिखाया जा, तो जब J2 का मान नहीं है ना तो K2 का मान है ना L2 का मान है, तो आंसर जीरो ही आएगा ना, तो हमने अड्डो कर लिया। फिर वापस हम पेस्ट पहुंचे, हमें लिखना है केवल वैल्यू, अब कोई फॉर्मूला नहीं, देखिए क्या लिखा, 135 ही लिखा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने फॉर्मूला लगाया है उसको आप वैल्यू के रूप में परिणत करना चाहते, फॉर्मूला नहीं क्या, वैल्यू, तो आपको कॉपी करके पेस्ट वैल्यू करना है। क्या करना है, कॉपी करके आप क्या करेंगे, पेस्ट वैल्यू।
आप चाहते हैं नंबर फॉर्मेट भी रहे उसका, तो उसके साथ नंबर फॉर्मेट भी आ गया, वैल्यू के साथ क्या आ गया, जो नंबर फॉर्मेट वहां दिखाया जा रहा था वही का वही आ गया 135.00। क्या लिखा 135.00, तो क्या आ गया, आया इधर दिख रहा था उधर दिख रहा, बस ये है कि फॉर्मेट नहीं आया। आप फॉर्मेट भी चाहते तो इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्या आ जाएगा पूरा फॉर्मेट। कॉलम चाहते हैं तो कॉलम की चौड़ाई यहां से आ जाएगी, कॉलम की चौड़ाई हो गई, अब इधर से आ जाएगा तुम्हारा। तो जो कॉलम की चौड़ाई यहां है, एक बार हमने कॉलम पे क्लिक किया, दूसरी बार हमने फॉर्मेट वैल्यू फॉर्मेट पर क्लिक कर दिया, वैल्यू भी आ गया। और कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको इसकी आवश्यकता सर हमें कभी नहीं पड़ेगी। अरे पड़ेगी, मान लो एक फॉर्मेट आपने बनाया है, क्या किया है आपने, फॉर्मेट बना लिया और ऐसे ही का ऐसे ही आप दूसरा फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं, तो इसे सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए और दूसरी सीट में जाके और क्या कर दीजिए, यदि आप पेस्ट कर देंगे तो ये केवल आएगा क्या, जैसा लिखा है वैसे ही का वैसे ही पहुंच जाएगा, लेकिन कॉलम की चौड़ाई कंट्रोल नहीं होगी, तो कॉलम की चौड़ाई यहां से कंट्रोल हो जाएगी, राइट। तो ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट, जैसा उधर बनाया वैसा ही का वैसा तो इधर बन गया, तो इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, कॉपी करके आप यहां से। अब नीचे कुछ और दिया है अदर पेस्ट ऑप्शन लिखा है ना, अब क्या होगा जब भी आपको चाहिए, मान लो इसमें अदर ऑप्शन और दिया है, जो दिया है क्या दिया है ओनली फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का मतलब क्या है, ऊपर किस कलर में लिखा है, किस कलर में लिखा है, इधर किस कलर में लिखा है, इधर किस कलर में लिखा है, तो जो फॉर्मेट आपने दूसरी टेबल में दिया है वही का वही आपने यहां पर पेस्ट कर दिया, कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल ओनली फॉर्मेट पेस्ट किया, राइट। कहां से, यहां। अब आया लिंक, यदि आप राम चाहते हैं सीता, राज अशोक महेश, वो हाँ देखो ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसका मतलब है हाइपरलिंक बन गई, क्या बन गई लिंक। ये कैसे हुआ सर, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद कहां पर लिंक बनानी है और उस पे जाके आप इस पेस्ट लिंक पर क्लिक कर दीजिए, लिंक बन गई। ओके सर, हम चाहते हैं क्या कि जैसे ही इस पे जाए पिक्चर बन जाए, लो पिक्चर बन गया, क्या बन गया देखिए, कहीं भी ले जा सकते हैं, इस फॉर्मेट को हम कहीं भी व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मेल करना तो मेल खोला और मान लो उसी को कंपोज किया, यहां उसका नाम और यहां जाके पेस्ट, कुछ नहीं करना हमें, जो फॉर्मेट हमने बनाया वो पिक्चर के रूप में यहां पर सेट होगा, इसमें एडिटिंग भी नहीं होगी। आ गया, तो इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ सर, यहां पर डिलीट कर दिया, क्या किया सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी के बाद आपको यहां जाके क्या करना है, पेस्ट लिंक एड पिक्चर, क्या लिखा है लिंक पिक्चर, लिंक्ड पिक्चर। अब क्या होगा सर, जैसे ही हमने इधर कुछ किया तो उधर भी कुछ होगा, देखिए जे कॉलम का है बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, हमें तो नहीं लग रहा सर बड़ा है, उस पिक्चर का कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तुझे कहां से लिंक्ड पिक्चर के माध्यम से किया, हम 45 का बढ़ाना चाहते, हम 135 का बढ़ाना चाहते, हम इसे सेंटर करना चाहते, लिंक्ड पिक्चर बन गया। तो इस तरीके से हमारा काम पेस्ट जो था वो क्लियर हुआ, कैसे हुआ, सेलेक्ट करके
कॉपी किया और यहां से सारे आप एक एक करके सारे ऑप्शन हमने देख लिए, तो सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। अब एक और ऑप्शन बचा हुआ है, वो है क्या, फॉर्मेट पेंटर। क्या लिखा है, फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या है, तो जब भी हम चाहते हैं जैसा इधर है वैसे ही का वैसे ही फॉर्मेट इस पर हो जाए, तो इस पर क्लिक किया, अरे वाह, जो फॉर्मेट ऊपर है वैसे ही वैसे इधर बन जाए। अच्छा इधर भी हो सकता है, क्या बात कर रहे, अच्छा हो गया होगा, अरे वाह, अरे बना, तो जैसा फॉर्मेट ऊपर था वैसे के वैसे नीचे आ गया कि नहीं आया, तो ये कॉपी फॉर्मेट कहलाता है। क्या कहलाता है, तुझे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको एक ही लाइन चाहिए मान लो, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, आप देखेंगे इसके साथ एक ब्रश सा लगा है, प्लस के साथ लगा है, माउस का बटन दबाया और ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको नीचे का चाहिए फॉर्मेट सिलेक्ट किया, दोनों चाहिए, इस पर क्लिक किया और दोनों को सिलेक्ट किया और ड्रैग एंड, तो इसको कहा गया फॉर्मेट पेंटर। सर हमें हटाना है, तो इस पे क्लिक किया, पर जैसा फॉर्मेट सिलेक्ट किया था वैसा का वैसा उसने कर दिया। मान लो हम इसको भी करना चाहते तो इसको सिलेक्ट किया और ये, सर हम ऐसा करना चाहते सब, तो इस पे क्लिक किया, हम रेड करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक किया, हम ऐसा क्लिक करना चाहते हैं ये वाला फॉर्मेट जो यहां पर नंबर होंगे वहां पर नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन क्लियर बन जाएगा।